हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आवर सेकेंड पार्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो इन दिस लेसन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इवोल्यूशन। सो व्हाट इज इवोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड दिस इज a very slow going process through which development of organism is achieved। so यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है हमें कि evolution कैसी process है। it is a very slow process, it is a gradual change occurring in a living organism over the long duration। evolution in short we हम कह सकते हैं कि evolution एक gradual change है जो long duration के लिए किसी भी organism में हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन एंड दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर वी कैन से दैट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस मीन्स एंड वाई दिस इवोल्यूशन इज़ रिक्वायर, वाई इवोल्यूशन शुड बी देयर, सो थ्रू विच द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एच। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट अगर होनी है तो उसके लिए इवोल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इवोल्यूशन इज अ सच अ प्रोसेस विच इज़ ग्रेजुअल चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट ऑकर्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द लॉन्ग ड्यूरेशन, इट्स अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस एंड विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? तो ऑर्गेनिज़म्स की डेवलपमेंट होती है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑल स्टेजेस इन चेंजेस ऑकर्ड इन अ वेरियस कंपोनेंट्स रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द स्पेस टू द बायोस्फियर प्रेजेंट ऑन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। All stages in changes occurred in a various component। अभी इसमें सिर्फ प्लांट और एनिमल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम ये इवोल्यूशन की प्रोसेस बाकी के जैसे प्लैनेट्स के लिए भी लागू हो जाती है। जैसे स्टार्स है या फिर प्लैनेट्स है, उनमें भी चेंजेस आते गए टाइम अनुसार और वो भी उनमें भी इवोल्यूशन होता गया और ये बायोस्फीयर जो आज हम देख रहे हैं, अर्थ जो देख रहे हैं, उसके अराउंड का जो बायोस्फीयर है या फिर उसके अराउंड के जो गैसेस हैं, वो सारा कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो डेवलप्ड होता गया धीरे धीरे। एंड दिस इज़ आल्सो अगेन अ वन काइंड ऑफ द इवोल्यूशन और वी कैन से अ एग्जांपल ऑफ अ इवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेसीज ड्यू टू द चेंजेस इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर of a several generation of a living as a response to the natural selection is called as a evolution। जब भी कुछ formation हो जाता है species का, it is due to the changes in the specific character। Why there is a formation of the species, new species, why we are able to see these new species in case of the plants as well as animal, because there is a evolution, there are the changes। So that changes are actually a slow, very slow going process। These changes occurs very very slowly, so formation of the new species due to the changes in the specific character of a several generation of living organism as a response to the natural selection। ये response किसके लिए है? तो natural selection को जो response देते हैं। कौन देता है रिस्पॉन्स? तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर गिविंग रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। बिकॉज एज पर द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन व्हाट वी कैन से फिटेस्ट, ओनली फिटेस्ट विल सर्वाइव। सो जो फिट है वही ऑर्गेनिज्म नेचर में सर्वाइव होने वाला है। सो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पेसिस और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म फिट नहीं है तो वो पेरिश हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके लिए नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को रिस्पॉन्ड देते हुए हर एक ऑर्गेनिज्म खुद में चेंजेस लाता है और इसकी वजह से उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है उस ऑर्गेनिज्म के, वो चेंज होते जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन। ये भी एक इवोल्यूशन कह सकते हैं हम कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पेसीज।
सो दिस इज़ ऑल्सो इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के अंडर ये आप लिख सकते हैं. अगर इफ़ द क्वेश्चन कम्स इन अ एग्ज़ाम, राइट अ नोट ऑन इवोल्यूशन और एक्सप्लेन द टर्म इवोल्यूशन. दैट टाइम यू कैन राइट मेनी कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द इवोल्यूशन और देर आर सो मेनी डेफिनेशंस रिगार्डिंग द इवोल्यूशन इन अ वेरियस एस्पेक्ट्स. दैट ऑल्सो यू कैन राइट. सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ. लाइफ यहाँ पर कुछ नहीं था 3.5 बिलियन ईयर्स एगो. एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली अ सिंपल एलिमेंट इन द ओशन ऑन द अर्थ एंड द सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोज. अभी ये सब माना जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं था अर्थ पे, लेकिन शुरुआत में इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, किस तरह से लाइफ एग्जिस्ट हुआ, तो सिंपल एलिमेंट्स जो थे वो ओशन के अंदर तैयार हो गए, फॉर्म हो गए एंड ऑन द अर्थ एंड द सिंपल टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोज. ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये सिंपल एलिमेंट्स से क्या हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार हो गए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो गए, जो बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स उसमें से बन गए. जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक अ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मे हैव फॉर्म ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दोज सिंपल कंपाउंड्स. इन सिंपल कंपाउंड में से फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार होते गए और जो कुछ भी टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता गया, टाइम जैसे जैसे जाता गया, तो वैसे उसमें से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार होना शुरू हो गया. फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ऐसा कहा जाता है कि पहली जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल है दैट ऑल्सो फॉर्म बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. नंबर ऑफ दोज सेल मे हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ द सराउंडिंग केमिकल. जैसे जैसे सराउंडिंग केमिकल्स बढ़ते गए वाटर में, वैसे वैसे इन सेल्स का नंबर भी बढ़ता गया. एंड देयर मे हैड बीन सम डिफरेंसेस अमंग दोज सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सम मे हैव शोन अ गुड ग्रोथ एंड सम मे हैव पेरिश विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग. सो सम सेल्स देयर वेर द सम डिफरेंस अमंग दोज सेल्स. अभी वो क्या डिफरेंस था वो यहाँ पर बताया नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंस था उन सेल्स में. इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जैसे मैंने बताया कि ओनली फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव, सो इस रूल के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन के ये सेल्स जो है सम मे हैव शोन अ गुड ग्रोथ. कुछ सेल अच्छी तरह से ग्रो हो गई एंड दे लिव लॉन्गर एंड सम मे हैव पेरिश्ड विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग. और जो सेल सराउंडिंग से या फिर नेचर से एडजस्ट नहीं हो सकी वो क्या हो गई, वो पेरिश्ड हो गई या फिर डिस्ट्रॉय हो गई. सो एट प्रेजेंट अ करोर्स ऑफ स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ अ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग द शेप एंड द कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगेन एट द प्रेजेंट इफ यू consider the species of the plant and the animals, there is a vast or we can say a huge diversity regarding the shape and the complexity about the plants and the animals on the earth. So बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, हर एक टाइप के, हर एक शेप के या फिर कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार उनमें डाइवर्सिटी हमें प्लांट्स में एज वेल एज एनिमल्स में भी देखने को मिलती है. दिस एग्जांपल यू हैव टू अंडरलाइन एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्युलर अमीबा एंड पैरामोशियम टू मैन एंड जायंट वेल. So here, this you have to remember, animal diversity. Animal diversity की range कहाँ से कहाँ तक है, तो बताया जाता है कि unicellular organism, it ranges from unicellular organism means what? Which single cell organism, which we are not able to see even with our naked eyes. To see those animals, we require only compound microscope. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे ही इन एनिमल्स को हम देख सकते, उस एनिमल्स से लेकर टू मैन
and to giant whale, which is very very huge animal, giant whale. तो यहाँ तक organisms की या फिर हम कह सकते हैं animals की diversity हमें देखने को मिलती है. From amoeba, paramecium, these are the example of the unicellular animals which we can observe under the compound microscope, and man and the giant whale. These are the examples which we can see with our naked eyes. So, ऐसी diversity हमें देखने को मिलती है. So, next, same like animals, in plants also, there is a huge diversity. The plants consist of various species ranging from unicellular chlorella to huge banyan tree. क्लोरेला अगर आप देखोगे दैट इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर स्पीसीज ऑफ द प्लांट. सिंगल सेल प्लांट्स है वो. सो सिंगल सेल प्लांट यूनिसेलुलर क्लोरेला से लेके ह्यूज बनियन ट्री विच वी कैन ईजिली ऑब्जर्व विदाउट माइक्रोस्कोप. सो ये है प्लांट्स की भी डाइवर्सिटी लाइक एन एनिमल. सो द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम द इक्वेटर टू द बोथ ऑफ द पोल्स. लाइफ जो है दोनों तरफ इक्वेटर से लेके या फिर पोल्स से लेके इक्वेटर तक दोनों तरफ दोनों पोल्स की तरफ फैला हुआ है या फिर एग्जिस्ट है. ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर वाटर लैंड रॉक एक्सेट्रा. ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ. ऑर्गेनिजम्स जो है वो सभी मीडियम में हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, रॉक हो. दीज आर द प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रिमेंडस अमाउंट. मीन्स ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर. सो ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द रीज़न फॉर सच अ डाइवर्सिटी इन अ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस एंशिएंट पीरियड. लाइफ कैसे ओरिजिन हो गया उसके बारे में ह्यूमन ने बहुत सारी जानकारी मिलाने की कोशिश की है कि किस तरह से लाइफ एग्जिस्ट हो गया होगा फर्स्ट टाइम अर्थ पर और किस तरह से ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए होंगे. सो एट फॉर सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस एंशिएंट पीरियड. एंशिएंट टाइम से इंसान इसके बारे में सोचता आ रहा है और सर्च करता आ रहा है, रिसर्च करता आ रहा है, जिसकी हेल्प से उसे पता चले कि ये ओरिजिन है, लाइफ कैसे ओरिजिन हो गया, यूनिवर्स जो है या फिर ये अर्थ जो है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आ गई. सो अर्थ डिफरेंट थियरीज अबाउट द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अ लाइफ हैव बीन प्रपोज टिल टुडे, ऑफ विच द थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड. बहुत सारी थियरीज बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताई है आज तक, कि अलग अलग थियरीज बताई गई है जिसमें अलग अलग प्रूफ उन्होंने दिए है कि ओरिजिन जो है लाइफ का किस तरह से हुआ है एंड इवोल्यूशन किस तरह से होता गया और किस तरह से ये धरती एग्जिस्टेंस में आती गई. सो देर आर द डिफरेंट थियरीज अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड हैव बीन प्रपोज टिल टुडे, बट आउट ऑफ विच द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस थियरी वॉज ओनली एक्सेप्टेड. ग्रेजुअल डेवलपमेंट बिकॉज जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि थेरी जो इवोल्यूशन है, व्हाट इज़ इवोल्यूशन, इट्स अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ अ की वर्ड, यू हैव टू अंडरलाइन इट. इट्स अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो उसकी थेरी भी है वैसे ही ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की थेरी. ओनली दैट थेरी वॉज एक्सेप्टेड अपार्ट फ्रॉम द अदर थेरीज. नाउ अ पीप इन टू हिस्ट्री. अभी ये पीप इनटू हिस्ट्री क्या है. मेनी फिलोसोफर एंड द रिलीजियस स्कॉलर्स हैव रिटन देयर व्यूज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ. बहुत से जो फिलोसोफर्स है या फिर स्कॉलर्स है, दे हैव रिटन देयर व्यूज एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हैव अ डिफरेंट व्यू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ एंड देयर सीम्स टू बी
अ थरो डिस्कशंस ओवर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, और उसमें थरो डिस्कशन भी किया उन्होंने कि जो यूनिवर्स कैसे फॉर्म हो गया होगा इन अ वेरियस कल्चर्स लाइक इंडियन, चाइनीज, रोमन, ग्रीक एक्सेट्रा. सो दे हैव गिवन और दे हैव मेंशन सम कंट्रीज ओवर हियर. सो दीज कंट्रीज, इन दीज कंट्रीज देयर इज अ थरो, वी कैन से डिस्कशन ओवर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स. जैसे कि इंडियन कल्चर में कुछ अलग बताया गया है कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हो गया है, चाइनीज़ में कुछ अलग बताया गया है, रोमन में कुछ अलग है या फिर ग्रीक में कुछ अलग है. सो वेरियस कल्चर्स हैव नोटेड अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट्स, स्टार्स एंड द पंच महाभूताज, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा. सो बहुत से ऐसे कल्चर है जिन्होंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें बताई है जिसके बारे में, मीन्स प्लैनेट्स के बारे में हो या फिर स्टार्स के बारे में हो या फिर पंच महाभूताज के बारे में हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हो. सो एवरी कल्चर हैज़ अ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लैनेट, स्टार्स एंड द पंच महाभूता एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो in the form of the poetry, stories and the religious sacred books. So in sabhi cultures mein, if you read their poetry, if you read any religious book, if you read any sacred, means pious book of any particular religion, then you will find the why the universe and how the universe is originated. And they have mentioned their own views according to the country. So each and every country has a different view about the origin of the culture, or the each and every country has a different view about the origin or the formation of the universe. So जो कुछ भी उनके views हैं वो उन्होंने stories के माध्यम से या फिर कुछ poetry के माध्यम से या फिर religious book में mention किए हैं. So this was only a peep into the history. Next point, that is the theory of evolution. According to this theory, the first living material was a protoplasm, means has been formed in the ocean and in due course of time unicellular organism was formed. जैसे कि हमने पढ़ा है पहले protoplasm form हो गया, फिर unicellular organism form हो गए कुछ time period के बाद, and gradually changes occurs in the unicellular organism from which larger and the more complex organism were formed. Unicellular organism was the first organism. यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो पहले फॉर्म हो गए, और उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी जैसे बढ़ती गई, कॉम्प्लेक्स नेचर जैसे बढ़ता गया, वैसे उसमें चेंजेस आते गए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते गए और बहुत बड़े जैसे लार्जर एनिमल्स भी उसमें से फॉर्म होते गए. सो ऑल दोज चेंजेस वेयर स्लो एंड द ग्रेजुअल. ये चेंजेस थोड़ी एक दिन में हो गए हैं. ये सारे चेंजेस होने के लिए करोर्स ऑफ ईयर, इट टेक्स अ करोर्स ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम, मीन्स ऑल दोज चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल. जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन में जैसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है, एंड इट टेक्स अ टाइम ऑफ द लैक्स ऑफ और द करोर्स ऑफ ईयर्स फॉर द इवोल्यूशन टू टेक evolution takes place, evolution in any species of the any organism. So duration of these changes is at most 300 crores years. उसका जो duration था इस evolution का वो कितना था, 300 crores years का duration था. So the changes and the development in the living organism had been all round and the multidimensional. And this led to the evolutions of the different type of organism. जो changes हो गए वो development हो गए organism में, वो all round development हो गई, means ना कि किसी एक part में development हो गई, all round सभी level पर development देखी गई, and the multi-dimensional development उसे हम कह सके, multi-dimensional development, and the this development was all round and the multi-dimensional development
हर ऑर्गेनिज्म में होती गई एंड दिस लीड टू इवोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और इसकी वजह से अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होते गए. हैंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन और इसी ओवरऑल प्रोसेस को क्या कहने लगे हम इवोल्यूशन. मीन्स ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती गई हर ऑर्गेनिज्म में मल्टी डायमेंशनल लेवल पे और धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होकर वो ऑर्गेनिज्म कुछ उसमें चेंजेस होते गए तो इसी डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इवोल्यूशन विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल. ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स व्हाट इट इज़ वेरी इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे. मीन्स दिस इवोल्यूशन वॉज इन अ प्रॉपर वे इन अ फिक्स्ड वे इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे. इट हैज़ सम पैटर्न ऑफ इट्स डेवलपमेंट. सो दैट्स वाई दे हैव गिवन दिस इवोल्यूशन विच वी कॉल्ड एज अ इवोल्यूशन इज अ ऑर्गेनाइजेशनल एंड द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम एंसिस्टर्स हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन is called evolution. Now this is another definition which you can write in your exam. Progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and the functional organization is called evolution. ये अलग टाइप की एक और एक डेफिनेशन है इवोल्यूशन की जो डेवलपमेंट है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है प्लांट्स और एनिमल्स का और किस वजह से और किससे हो रहा है सम एंसिस्टर्स आर देयर प्लांट्स ऑल्सो हैज़ देयर एंसिस्टर एनिमल्स ऑल्सो हैज़ देयर एंसिस्टर सो दे हैव देयर एंसिस्टर्स एंड हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन एंसिस्टर्स से कुछ उनकी डेवलपमेंट हो रही है अगली जनरेशन्स में और उनमें हमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं जैसे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लेवल पर तो उसे ही हम क्या कहेंगे इवोल्यूशन. सो इवोल्यूशन इज़ अगेन इट इज़ द वन मोर डेफिनेशन दे हैव गिवन सो आई हैव मार्क्ड इट विद डिफरेंट कलर्स. Now next point that is evidences of evolution. So what are the evidences of evolution? Let us discuss. So collective thinking upon all above mentioned theories implies that evolution is a everlasting process of changes. Evolution is kya hai? Everlasting process hai. It's a continuous process which will not stop anywhere. So it's a everlasting process. It will continue from one generation to the next generation. That's why they have used your word everlasting process. However, it needs to prove it. अभी ये evolution हो रहा है या फिर हो चुका है या फिर इस pattern से हो रहा है उसके लिए क्या proof है तो ये prove करने के लिए there should be some proof. So, following are various proofs available in support of the theories mentioned above. जो हमने अभी तक theories देखी जैसे कि theory of natural selection. So like that because evolution से related जो भी कुछ theories हैं उनके लिए ये कुछ proof दिए गए हैं. So let us discuss about these proofs one by one. So in that first proof that is the morphological evidences. Now what is mean by morphological evidences? First of all try to understand the meaning of this word morphology. Morphology is nothing but the external appearance of any organism. So morphological evidence matlab kya? So let us discuss. Here they have shown some pictures of some animals. Try this, they have given one activity. Observe the following images and note the similarities between given and images and the plant images. They have shown some pictures of the some animals and some plants. So what they have told to find out the similarities in the images. So in these images of the plants as well as animals, what are the similarities? So let us discuss. So various similarities like a structures of a mouth, position of a eye, structure of a nostril and ear, pinny and thickly distributed hairs on the body are seen in animals. Animals ke bare mein, if you see these pictures carefully, then you will find the similarities in the animal structure like mouth. Mouth
सभी एनिमल्स में है. पोजिशन ऑफ द आइज, द पोजिशन ऑफ द आइज भी सेम है. स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ पिनी, ईयर पिना. सो ईयर पिना का जो स्ट्रक्चर है, सो दैट इज ऑल्सो सेम. सो दीज आर द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वी कैन कंसिडर ओवर हियर. एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑल्सो ईच एंड एवरी एनिमल इज हैविंग ऑन द बॉडी आर सीन इन द एनिमल्स. वेयर एज द सिमिलैरिटी इन अ कैरेक्टर्स लाइक अ लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पिटियोल एक्सेट्रा ऑकर इन केस ऑफ द प्लांट्स. उसी तरह प्लांट्स में भी, सभी प्लांट्स में तीनों डायग्राम्स आप अगर देखते हो या फिर इमेजेस, इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल फाइंड द सिमिलैरिटीज. सिमिलैरिटीज इन द कैरेक्टर्स लाइक अ लीफ शेप, लीफ का शेप देख सकते हो आप, लीफ वेनेशन एंड द लीफ पिटियोल. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल इविडेंस रिगार्डिंग दिस इवोल्यूशन. सो ऑकर इन केस ऑफ द प्लांट्स, सो दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन दोज ग्रुप्स एंड हैंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी द सेम एंड मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर. वॉट दिस मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस टेल्स अबाउट, सो दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर some similarities in those groups and hence it proves that there is their origin must be the same and must have a common ancestor. groups kiske? animals ke group. there are the similarities in the animals externally. there are the similarities in case of the plants, but that is also externally. so what it indicates, they must have their common ancestor. unka jo ancestor hoga wo kya hai, common hai, yahi ye theory batati hai. so this is the first important evidence about the theory of evolution. now let us discuss for the second evidence, that is called as a anatomical evidence. here in this picture you can observe these four diagrams, where first diagram is of human hand, second is a foreleg of ox they have shown, third patagium of bat, and in fourth diagram they have shown flipper of whale. so you have to observe these diagrams carefully. so what this anatomical evidences tells us, let us discuss. If you carefully observe the picture, there doesn't seem any superficial similarity between human hand, foreleg of ox, flipper of whale, and patagium of bat. If you superficially observe, superficially यानी कि externally, जैसे कि morphological evidences में हमने देखा कि morphological में हमें externally they were similar. All the characters of the animals as well as plants were similar. But in this theory, they are not looking similar. In case of the human hand, foreleg, flipper of whale, patagium of bat, if you observe this diagram carefully, you will understand that these diagrams superficially, they are not look similar. Similarly, use of each of those structure is different. इन रिस्पेक्टिव एनिमल, हर एक एनिमल में उसका यूज़ जो है या फिर स्ट्रक्चर जो है हम कह सकते हैं वो क्या है, डिफरेंट है. देयर यूजेस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज ऑर्गन्स आर डिफरेंट इन अ डिफरेंट एनिमल. हाउएवर देयर इज़ अ सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड द बोनी जॉइंट्स इन अ ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल्स. अभी फिर भी उनमें क्या बताया गया है, सिमिलैरिटीज़ हैं. किस में, किस बात में सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स. बोन्स के बारे में हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. एंड द बोनी जॉइंट्स इन अ ऑर्गन ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल, हर एक एनिमल्स के बोनी जॉइंट्स जो है या फिर बोन्स जो है उनमें हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. एंड दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट्स दैट दोज एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर. सो this similarity according to their bony structure means we can say that, in short we can say that this anatomical evidence is based on the similarity on the bony structure of each animals. so here you can underline, this is a very important concept, or you have to mention while writing a note or explain the term if the question comes. so that time you have to mention there is a
similarity in the structure of bones and the bony joints in the organ of each of those animals, and this similarity indicates that those animals may have a common ancestor. और ये जो सिमिलैरिटी है वो सिमिलैरिटी इंडिकेट करती है कि दे आर हैविंग देयर कॉमन एंसेस्टर, उनका कुछ कॉमन एंसेस्टर है. माना कि उनके हर एक के स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखाई देते हैं, या फिर हमें यहाँ पर उनका यूजेस जो है हर एक एनिमल में डिफरेंट है, लेकिन हम अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें तो ये सब कुछ हमें डिफरेंट लगता है, लेकिन देयर इज़ अ सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड द बोनी जॉइंट. बोन्स को हम अगर देखते हैं बारीकी से एनाटॉमिकली, इफ़ वी ऑब्जर्व दीज एनिमल्स बोन, मीन्स ह्यूमन हैंड है या फिर फोर लेग ऑफ ऑक्स है या फिर पटाजियम है बैट्स का या फिर फ्लिपर ऑफ वेल है, सो देयर बोन्स एंड देयर बोनी जॉइंट्स that shows the similarity. And according to this theory, anatomical evidences में यही बताया गया है कि उनमें अगर similarity है bony level पे या फिर bones के level पर अगर हमें structure में bones के similarity दिखती है, then this is also one of the most important anatomical evidence regarding this theory of evolution. Now next concept, which is again a very important, you have to understand this, which is a very important concept, that is vestigial organ. Now what is mean by vestigial organ? So you have to remember this concept. So why? Because the question will come in an exam for explain the term vestigial organ, or question will come for objectives like write or give an example of any two vestigial organ in an organism. So understand this concept, vestigial organ. So let us discuss about this concept. What is vestigial organ? So vestigial organ means here degenerated and or underdeveloped useless organ of organisms are called vestigial organ. Now what is vestigial organ? Definition they have given. This is again important definition, you have to underline it. Degenerated or underdeveloped useless organ of the organism is called the vestigial organs. So vestigial organs yani ke what is vestigial organ? Degenerated or underdeveloped useless organ. Degenerate means jo degenerate ho chuke, they are not in use, that's why they are degenerated, or they are not developed use hum kehte hain, or underdeveloped position mein hai waise organ jo useless hai kisi bhi organism ke liye, such organs are called as a vestigial organs. In living organism, sudden development of a new tissues or organs for living organism changing environment is not possible. Living organism mein sudden development of a new tissue or organ for living in changing environment is not possible. Changing environment mein kisi bhi organ ki sudden development kisi bhi organism mein possible nahi hai. Instead of that, existing organs undergo gradual changes. जो कुछ भी existing organ है किसी भी organism में वो gradually यानी कि slowly they are going undergoes changes. These organs which are present inside the body of organism, they only undergoes the changes. So mostly a specific structure in a body is useful under certain situation. जो specific structure है body का किसी भी organism का, वो किसी भी situation में उस organism के लिए क्या होता है, useful होता है. And however, same structure under the different situation may become useless or even harmful. लेकिन कुछ same structure, वही same structure किसी और organism में या फिर present अगर रहता है तो वो उसके लिए शायद harmful हो या फिर which is not useful for that organism. Such a structure begins to degenerate, और वैसा जो structure है
which is not useful or which is harmful for that organism, that structure begins to degenerate under such a situation as per principle of natural selection. Again यहाँ पर word आ गया है, ये किस तरह से है, किस हिसाब से चल रहा है, principle of natural selection. So ये whatever structure is there of that organism which undergoes the degeneration process, it is according to the principle of natural selection. It takes thousands of years for a structure to disappear. ये structure कुछ एक दिन में या दो दिन में disappear नहीं होने वाला. ये structure, it takes a long time duration to disappear. So such organs are seen in a different phases of a disappearance in a different animal. अलग अलग animals में अलग अलग structure हमें देखने को मिलते हैं जो कि different phases में disappear हो सकते हैं. Such organs are seen in a phases of a disappearance in a different animal. Such organs, though non-functional in a certain organism, it may be functional in a other organism. That is, it is not vestigial in other organism. This also you have to remember. Such a organ, which are we are discussing about the vestigial organ, are seen in a different phases of the disappearance in a different animal. अलग अलग एनिमल में ये शायद कुछ डिसअपियर हो सकते हैं या फिर दिखेंगे आपको कि ये डिसअपियर हो रहे हैं. बट सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये नॉन फंक्शनल है. दैट्स वाई दीज ऑर्गन्स आर द डिसअपियरिंग, दीज ऑर्गन्स आर द यूजलेस. बट इट मे बी फंक्शनल इन द अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज इट इज़ नॉट वेस्टिजियल इन अदर ऑर्गेनिज्म. सेम टाइप के ऑर्गन्स किसी और ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म में उस वो ऑर्गन्स क्या होंगे, फंक्शनल हो सकते हैं या फिर उस ऑर्गेनिज्म को वो ऑर्गन यूजफुल हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज़म्स के लिए सभी ऑर्गन्स यूजफुल हो. ये एक इन शॉर्ट इस थ्योरी का समरी कह सकते हैं. सो अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू द ह्यूमन बट इट इज़ यूजफुल एंड द फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन द रूमिनेंट्स. अभी यहाँ पे दिस एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लेसन. एग्जांपल, दिस लेसन इज़ टोटली बेस्ड ऑन द एग्जांपल. सो डोंट फॉरगेट टू गिव द एग्जाम्पल्स. दिस होल पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल ओनली. सो वन बाय वन लेट अस डिस्कस अबाउट दिस एग्जाम्पल. सो अपेंडिक्स का एग्जाम्पल दिया है. ह्यूमन बींग में जो अपेंडिक्स रहता है विच इज़ यूजलेस टू द ह्यूमन बट इट इज़ यूजफुल इन द फंक्शन और द फंक्शनल ऑर्गन इन अ रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स मीन्स द जो कैटल्स रहते हैं उनमें जो ऑर्गन है, मतलब फॉर द डाइजेशन प्रोसेस इट हेल्प्स देम टू डाइजेस्ट द फूड. सो अपेंडिक्स जो है उनमें वो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है. सिमिलरली द मसल्स ऑफ द ईयर पिना, इफ़ यू ऑब्जर्व अ मसल्स ऑफ द ईयर पिना, ईयर का जो स्ट्रक्चर अगर देखते हो आप, विच आर यूजलेस टू द ह्यूमन. ह्यूमन में भी ईयर पिना के मसल्स आर है. ह्यूमन में भी ईयर पिना या फिर ईयर में मसल्स हैं विच इज़ यूजलेस बट दैट मसल्स आर यूजफुल इन द मंकीज़ फॉर द मूवमेंट ऑफ द ईयर पिना. मंकीज़ के आपने ईयर देखे होंगे, उसमें उनमें ईयर पिना उनके उन ईयर के जो मसल्स है दैट आर यूजफुल फॉर दोज मंकीज़. वाइस जो बिकॉज ऑफ दैट मसल दे कैन मूव देयर ईयर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. बट ह्यूमन में वैसे दिखाई देता है क्या हमें? नहीं दिखाई देता है. हमारे जो ईयर है, दो वी हैव दैट मसल in our ear but that are useless in case of the human or which is not fully developed. But the same muscles of ear pinna you can observe in monkeys or other animal like a dog also you can take a example. So in that case you will observe that ear muscles are useful for them. Next, various vestigial organs like a tailbone, coccyx or wisdom teeth and the body hairs are present in body of human being. और वैसे भी अलग से various vestigial organs और भी है, जैसे कि tailbone. Tailbone is there और tailbone is present in the human being but it is not useful.
But in other animals, that tailbone is useful for them because they are having the tail. So, wisdom teeth, this is also another example. And body hairs are present in body of human being. These are some examples they have given about the vestigial organs. So, remember while writing the question based on this, if the question comes in exam, write a note on vestigial organ. That time you have to write, first of all you will write what is mean by vestigial organ definition, then you will write what is the theory or the concept behind this vestigial organ, why it is like this, and some example you have to mention over there. So these are some example in your textbook they have shown. Here you can observe this appendix example they have given, ear muscle example, wisdom teeth example, and the tailbone which is present in the human being. This example indicates that these are some vestigial organ which are not useful to the human being, but these same organs are present in the other animal, and these organs are useful for them. So this is the small concept about the vestigial organ. Now let us discuss next evidence, that is the paleontological evidence. Now what is mean by paleontological evidence? Paleontological evidence. So a question may arises in your mind that which organism existed millions of years ago. How can we tell this? Because obviously, nobody was there millions of years ago when the evolution occurred, first time development starts on the earth. That time nobody was here. So how can we tell this? Now this secret has been hidden in the earth. Ye secret jo hai wo earth mein hi chupa hai. And large number of organisms get buried due to the disasters like flood, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा. बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो बरीड हो चुके हैं ड्यू टू द डिज़ास्टर लाइक अ फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया. दीज आर द नेचुरल कैलामिटीज एंड रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड. और उनके जो रेमनेंट्स है, रेमनेंट्स यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हो सकते हैं, दैट रेमनेंट्स remain there and that get preserved underground. So these are called as a fossils. Aur unhe hum kya kehte hain? Fossils kehte hain. You know this definition since from your 8th standard or the 6th standard you have studied this, what is fossil. So these are the remnants or the buried organism which undergoes the organism which get buried due to the natural disaster like a flood, earthquake and volcano, and their remnants and the impression of such organism remain preserved underground, this is called as a fossil. And to study of these fossils is an important aspect of the study of evolution. Abhi unka study karna ye bahut important ho gaya. So in exam if the definition comes, what is fossil? So you can write, large number of organism get buried due to disaster like a flood, earthquake, volcano, etc. And remnants and the impression of such animals or the organism remain preserved underground. These are called as a fossil. Or to study this fossil is an important aspect to study the evolution. If we want to study this evolution, if we want to understand this evolution process, we should know about the fossil. So here another very important concept I will say, this is again question comes for the short note or explain the term, especially this question comes for the short note, carbon dating method, or write a note on carbon dating method or explain the term carbon dating method. So what is this method? Let us discuss. Carbon consumption of animals and the plants stops after death, and since then
ओनली द डीकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूसली। अभी उन्होंने कहा है कि कार्बन कंजम्पशन जो होता है एनिमल्स का और द प्लांट्स का वो रुक जाता है, इट गेट स्टॉप आफ्टर देयर डेथ। डेथ जब हो जाती है तब कार्बन कंजम्पशन पूरा साइकिल जो है कार्बन का सब स्टॉप हो जाता है। ओनली डीकेइंग प्रोसेस ऑफ कार्बन C14 ऑकर्स कंटिन्यूसली, वॉट एवर कार्बन इज देयर इनसाइड देयर बॉडी दैट स्टार्ट डीकेइंग, डीकेइंग प्रोसेस उसकी शुरू हो जाती है। इन केस ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंस्टेड ऑफ रेमेनिंग कॉन्स्टेंट, जो इन केस ऑफ द डेड बॉडीज है प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द रेशियो बिटवीन C14 एंड C12 चेंजेस कंटिन्यूसली एज C12 इज़ अ नॉन रेडियो एक्टिव। यू हैव टू रिमेंबर दिस, वाई, बिकॉज सी हियर C14 एंड C12 ये क्या है, दीज आर द सम अदर फॉर्म और दीज आर सम आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन इट्सेल्फ। सो कार्बन जो है C14 वाला जो कार्बन है वो डीके होना स्टार्ट कर देता है एंड दैट कार्बन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल। एंड उन्होंने क्या कहा है, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, उनका जो रेशियो है C14 और C12 का वो रेशियो एक्चुअली सेम होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, बट इट स्टार्ट कंटिन्यूसली चेंजिंग एज C12 इज़ द नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि C12 क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। द टाइम पास्ट सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट्स और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द C14 एंड द रेशियो ऑफ C14 एंड C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडीज। जो टाइम फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे ही जो डेथ होने के बाद प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, ये C14 और C12 का जो रेशो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन मेजर द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द C14 बिकॉज एज यू नो C12 इज़ नॉट रेडियो एक्टिव, सो C14 की रेडियो एक्टिविटी मेजर कर सकते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट द रेशो ऑफ C14 एंड C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी। दिस इज़ कार्बन डेटिंग मेथड। अभी एग्जाम में डेफिनेटली द क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम, व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग मेथड और एक्सप्लेन द टर्म कार्बन डेटिंग मेथड, और क्वेश्चन विल कम राइट नोट ऑन कार्बन डेटिंग मेथड। सो फ्रॉम हियर यू हैव टू राइट, अप टू दिस यू विल राइट व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग मेथड। सो दिस इज़ व्हाट कार्बन डेटिंग मेथड, इट इज़ यूज्ड इन द पैलियंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल एंड मैन्यूस्क्रिप्ट। पैलियंटोलॉजी में ये और एंथ्रोपोलॉजी में ये मेथड यूज होती है, जिसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉसिल का, किसी भी फॉसिल का एज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वंस द एज ऑफ फॉसिल बीन डिटरमाइंड बाय सच अ टेक्निक, जैसे कार्बन डेटिंग मेथड टेक्निक है, इससे अगर हम एक बार पता कर लेते हैं कि उस फॉसिल का एज क्या है, सो इट बिकम्स ईजी टू डिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में दूसरी और जानकारी हमें मिलाना आसान हो जाता है। इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स, और ये जो कार्बन डेटिंग मेथड हैं उसके हिसाब से वो क्या बता रहे हैं, इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट। अकॉर्डिंग टू दिस कार्बन डेटिंग मेथड व्हाट दे आर सेइंग, ऐसे दिखाई देता है या फिर ऐसे पता चलता है कि जो वर्टिब्रेट्स है दे हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जो है, जो आज हम देखते हैं सभी वर्टिब्रेट, वो इनवर्टिब्रेट से ही इवॉल्व हो चुके हैं या फिर ओरिजिनेट हो चुके हैं। सो दिस इज़ द कार्बन डेटिंग मेथड। लेट अस डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिस्ट। नाउ इन दिस दे हैव गिवन कार्बन डेटिंग मेथड इज़ अ बेस्ड अपॉन द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ नेचुरली ऑकरिंग C14 एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय द विलियर्ड लिबी। Who has developed this method? So, Willard Levy has developed this method. So, he has been awarded with Nobel Prize in 1960 for this invention.
ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है कि फॉसिल से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एज पता कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वेरी बिग अचीवमेंट. सो ही हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर दैट फॉर विथ अ नोबेल प्राइज इन 1960. द एज ऑफ द मटेरियल डिटरमाइंड बाय दिस मेथड आर पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ रेडियो कार्बन. जो कुछ भी एज है किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो या फिर किसी भी प्लांट्स का हो, जो एज है दैट एज डिटरमाइन होने के बाद दे आर पब्लिशिंग दैट एज इन द जर्नल विच दे हैव कॉल्ड और नेम दे हैव गिवन दैट इज़ द रेडियो कार्बन. सो दिस वॉज द सम लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइंटिस्ट हु हैड इन्वेंटेड दिस टेक्निक दैट इज़ कार्बन डेटिंग मेथड. नाउ नेक्स्ट one of the most important evidence that is regarding the evolution that is connecting links. Now connecting links, so observe, they have given one activity again here. Observe the following picture and discuss the character observed. So first diagram they have shown that is duckbill platypus. Second diagram they have shown lungfish and in third they have shown peripatus, some animals with a special character, each of these animals having the some special character. So what is this? So let us discuss. Some plants and animals show more morphological character by which they can be related to two different groups. मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, दे शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेटेड टू द डिफरेंट ग्रुप्स. उस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की वजह से हम उनको रिलेट कर सकते हैं किसी भी दो अलग अलग ग्रुप्स में. सो हैंस दे आर कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो प्लांट्स है विच शो द character, morphological character which are related with the two different groups, such a organisms are called as a connecting link. So next example they have given, which is again very important examples, don't ignore these examples. Peripatus, in case of the peripatus, what is the speciality of the peripatus? Here they have shown characters like segmented body, थीन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. पेरिपेटस में हम अगर देखते हैं फर्स्ट एनिमल जो उन्होंने दिखाया है, सो उनमें सेगमेंटेड बॉडी है पेरिपेटस की. इट इज़ हैविंग अ थीन क्यूटिकल, पैरापोडिया ऑर्गन्स, पोडा मीन्स लेग्स, सो पैरापोडिया ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. एंड सिमिलरली दीज एनिमल शोज द ट्रकियल रेस्पिरेशन. ट्रकिया इज प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेटरी system. So an open circulatory system similar to the arthropods. Arthropods जिनमें हमें open circulatory system दिखाई देती है, उन्हीं की तरह इस animal में भी हमें open blood circulatory system देखने को मिलती है. This indicates that peripatus is a connecting link between the annelida and arthropoda. इससे हमें क्या पता चलता है? दिस पेरिपेटस इज़ व्हाट कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है? पेरिपेटस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलीडा एंड ऑर्थोपोडा, क्योंकि इट इज़ शोइंग द सम कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट इन द ग्रुप एनिलीडा एंड सम कैरेक्टर विच आर प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑर्थोपोडा. सो इट शोज़ द सिमिलैरिटी फ्रॉम द both the groups, that's why peripatus is called as a connecting link. So on this question will come, for a given reason peripatus is called as a connecting link between annelida and arthropoda. So you can mention over here why this peripatus is a connecting link between these, and you have to write these characters also, like segmented body, thin cuticle, parapodia like organs and other jo tracheal respiration. So these are the some character which are present in these both the groups. So that's why peripatus is the we can say it is a showing the connecting link, or it indicates
like a connecting link between these groups. So similarly, duckbill platypus lays egg like a reptile. Reptiles ki tarah wo egg lay bhi karta hai and but shows the relationship with mammals too due to the presence of mammary glands and the hairs. Mammary glands present rehti hai duckbill platypus mein. So ye bhi ek kuch another character ho gaya jo mammals mein mammalia group mein hame dekhne ko milta hai, class mammalia mein. Aur So, lungfish performs the respiration with the lungs irrespective of being fish. Here, they have given one example of the lungfish in this diagram. So, they have shown this is the lungfish. So, lungfish perform a respiration with the lungs irrespective of being a fish. Fish hai lekin wo lungs se respiration karta hai because tracheal system is present or the trachea is present. So, lungs are present. Lungfish performs a respiration with the lungs irrespective of being fish. Fish होकर भी वो lungs से respiration कर सकता है. These examples indicates that mammals are evolved from the reptiles and the amphibian, from the fishes. इससे ये जो example हमने पढ़े duckbill platypus या फिर lungfish. So what these examples indicates that mammals का evolution किससे हो गया है, reptiles से हो गया है, reptiles से mammals evolve हो गए हैं and amphibians are evolved from the fishes. So this thing or this theory you have to remember, that is again very important concept. Exam point of view, question will come on this, that is the explain or write a note on connecting links. That time you have to write first of all definition of the connecting link, you have to give example and what are the characteristic features, you have to tell about this everything. Next theory, let us discuss, that is next evidence they have given about the evolution, that we called as a embryological evidence. Now what is this embryological evidence? Here in this picture, they have shown here one picture. What they have said, carefully observe the stages of embryonic development of some animal shown in the figure. Here they have shown in this first line, you can observe this all embryos. Second line, some changes are there. And in third line, you can observe the their development, how they are developed, well developed stage. So three stages of the development of this embryo they have shown here. So what is this evidence? Let us discuss. Comparative study of embryonic developmental stages of various vertebrates given in the pictures shows that all embryos shows extreme similarities during initial stage, and those similarities decreases gradually. Similarities in initial stage indicates the common origin of all these animals. In short, what they want to tell here, this embryological evidence indicates that if you observe this diagram carefully, it indicates that in the first stage, comparative study, if we compare these three stages of the embryo, then you will find in these three stages, in the first stage, you can observe all the embryo looks similar, and later on they shows the differentiation. In first stage of the embryo, it shows the extreme similarity, but later on that similarities goes on decreasing. So इस थ्योरी में आपको इतना ही याद रखना है कि इफ़ यू डू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स देन ऑल एम्ब्रियोज शोज द सिमिलैरिटी एक्सट्रीम सिमिलैरिटी ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज में सभी एम्ब्रियो एक्सट्रीमली सिमिलर दिखते हैं, लेकिन लेटर ऑन इफ़ वी गो फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टूवर्ड्स द सेकेंड टूवर्ड्स द थर्ड,
सेकेंड और थर्ड स्टेज में आपको इसकी सिमिलैरिटी कम होती दिखाई देती है, मीन्स इट इज़ नॉट शोइंग द दैट मच सिमिलैरिटी विच यू कैन ईजिली ऑब्जर्व इन द फर्स्ट स्टेज. सो दिस सिमिलैरिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली एंड इट इंडिकेट्स सिमिलैरिटी इन द इनिशियल स्टेज इंडिकेट्स दैट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स. अभी यहाँ पे कौन से एनिमल दिए हैं, जैसे कि दे हैव शोन हियर फिश, सैलामेंडर, टॉर्टॉइज, चिकन, पिग, काउ, रैबिट एंड मैन, दीज आर द एम्ब्रियोज. सो वॉट दे आर टेलिंग, दे आर शोइंग एक्सट्रीम सिमिलैरिटी एट देयर इनिशियल स्टेज एंड दिस इंडिकेट्स दैट they are having a common origin or the ancestor for these all organisms or for these all animals. So this is all about the embryological evidences. So today we have discussed the evolution and the evidences of the evolution. So this is very important concept, that is evolution as well as evidences of the evolution. Question will come in an exam on this for a short note, for a give reason or for a explain the term, question will definitely come on this. So prepare it properly. These are some evidences which we have discussed today. Next part of this video we will discuss about the different theories of evolution.